हेलो हाय नमस्कार भाइयों और उनकी बहनों, मैं हूं आप सभी का आयुष यादव और आज का हूं एक और नया खास वीडियो लेकर। तो गाइस आज का वीडियो और भी ज़्यादा खास है क्योंकि भाई ये क्या रस्ते में पहले ही आ गए क्या टीम में का। तो गाइस चलो पहले इनसे फाइट करते और उसके बाद गाइस आज आप सभी आ चुके हैं फायर रेड न्यू एडवेंचर्स के एपिसोड 3 में। गाइस एपिसोड 2 पे आपने जो लाइक टारगेट था वो पूरा नहीं कर पाए थे, गाइस 10 लाइक्स का था, आपने 9 ही किए। तो गाइस वो सब बातें तो चलती रहेंगी, पहले गाइस इसको मैं लिख कर देता हूँ ताकि थोड़ा पैरालाइज हो सकता है क्या। नहीं बिल्कुल नहीं हुआ। हाँ चलो पैरालाइज हो गया गाइस, पैरालाइज हो गया, मेरे को डैमेज पड़ा उसकी रफ स्किन से भाई साहब। मैं ऐसा कोई अटैक ही नहीं करूँगा शायद। वाटर पल्स कैसा करेगा गाइस अभी फिलहाल कन्फ्यूज्ड है। गाइस अभी क्या वो खुद को अटैक कर लेगी। सो गाइस चलो देखते हैं हम यहाँ ये बैटल जीतेंगे या फिर हारेंगे, वैसे मुझे पता नहीं है। सो गाइस यहाँ पे हमारा फ्रॉकी है जो फेंट हो चुका, मैं चार्मेंडर निकालूंगा और सिंडिकुल गाइस अभी टीम में ऐसे बैठा है। अभी तक वैसे मैं उसकी फाइट कराई नहीं है, उसको बस एक्सपीरियंस शेयर से। वो कन्फ्यूज अभी। ओके यूज एक्वा जेट, उसने मेरे पर किया कहीं मैं फेंट ना हो जाऊँ। अच्छा गाइस जब मेरा बस एम्बर लग जाए उसके ऊपर। सो गाइस मेरा यहाँ पे क्रिटिकल हिट लगा, लेकिन गाइस क्या इतना बड़ा क्रिटिकल हिट लगा, इतनी सी तो एचपी छोड़ी फ्रॉकी ने। गाइस वाटर पल्स भी बहुत तगड़ा अटैक था। गाइस हमारा लेवल 15 का हो चुका है और गाइस एक्सपीरियंस शेयर से बाकी एक्सपीरियंस मिला है हमारी पूरी टीम को। चलिए गाइस जल्दी से आगे की तरफ चलते हैं, इट्स नॉट येट। तो गाइस अरे ये क्या फिर से लड़ेगा क्या, मेरे पास तो हेल्थ ही नहीं थी बिल्कुल भी पोकेमॉन की। अबे भाई क्या है ओ, तो गाइस ये है वैसे मैंने इसको हरा दिया था, लेकिन अभी मेरे को पोशन की ज़रूरत है। पोशन मेरे को इसको देना पड़ेगा और गाइस देखते ही फ्लेम ब्रस्ट किया इसने मेरे को। चलो ठीक है एक और बार पोशन ले ले तू, एक बार फुल हो जा उसके बाद ही गाइस मैं इसके ऊपर कुछ अटैक करूँगा, नहीं तो गाइस जैसे तो मैं इससे हार जाऊँगा। इट्स नॉट वेरी इफेक्टिव। ओके तो मैं इसके ऊपर स्क्रैच अटैक करके देखता हूँ क्योंकि गाइस वो भी फायर टाइप ही है, अटैक लग रहा है मेरे को तो। फिर से फ्लेम ब्रस्ट, इसकी तो लगता है बुद्धि ब्रस्ट है, जब ही मेरे ऊपर बार बार कर रहा है फ्लेम ब्रस्ट। चलो न्यूमिल ने मेरे ऊपर प्रेस ओ नहीं 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 भाई मेरे को उसको नहीं कर रहा था गाइस अटैक उसके ऊपर बिल्कुल भी, अब उसने किया मेरा ये चामेंडर फेंट हो जाएगा। चलो वो तो देखा जाएगा, अब कुछ हो गया सो गया, अब लास्ट बचा है सिंडिकुल। सिंडिकुल क्या कर देगा ये सब, इसके पास है तो सही वैसे टैकल, वैसे एम्बर तो मैं बिल्कुल यूज नहीं करूँ क्योंकि शायद करना तो वही पड़ेगा, टैकल नहीं इसका कुछ फायदा किया ही नहीं। अब क्विक अटैक ट्राई करेगा इस, चलो क्विक अटैक भी सही था भाई, बस एक और अटैक क्विक अटैक का भाई मैं रिस्क नहीं उठाऊँगा बिल्कुल भी, पोशन यूज कर लूँगा। और गाइस अगर मेरे को एक और भी डैमेज पड़ा ना तो मैं तो सीधा गया, क्योंकि गाइस उससे लेवल कम का भी और मैं ऐसा रिस्क नहीं उठाएगा बिल्कुल भी। क्विक अटैक जा। तो गाइस चलो मैं जीत चुका हूँ फाइनली ये बैटल और गाइस इसका पूरा एक्सपीरियंस मिलेगा हमारे अकेले सिंडिकुल को भाई, एक्सपीरियंस शेयर का। पोकेमॉन फेंट नहीं होते। सो चलो गाइस पहले हम पोकेमॉन सील करके लाएंगे एकदम फास्ट फास्ट जाके। ओ गाइज हमारा सिंडिकल इवॉल्व हो रहा है और गाइज ये बहुत जल्दी इवॉल्व, और गाइज मेरी टीम का फर्स्ट इवोल्यूशन है सिंडिक्विल। लगता है इसी एपिसोड में गाइज बहुत सारे पोकेमॉन इवॉल्व होंगे क्योंकि मेरे सभी 14-15 ऐसे ही कुछ। गाइज ये बन चुका है क्वाला, बहुत तगड़े गाइज बहुत तगड़े। एक दिन टाइप्लोजन भी बनेगा बेटा, टेंशन मत कर तू, मेरी टीम में रहा तो ऐसे ही जीतेगा। इट्स नॉट चाइल्डहुड। ओके तुम्हें हमें हमारे से प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। तो गाइस चलो मैं एक बार फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ यहाँ से और सीधा अपने पोकेमॉन सेंटर जाके आता हूँ। बूजिल मेरे को लड़ना ही नहीं। सो गाइस ये देखा आपने टाइप, ये क्वाला कितना अच्छा लग रहा था, मैंने वैसे एक इस पोकेमॉन सेंटर के आगे खड़ा था उसको भी मैंने हराया तो था। सो चलो गाइस यहाँ पे है एक और ये पोकेमॉन से क्यों लड़ूं भाई लड़ूं, अरे यार ये जाने ही नहीं दे रहे मेरे को। गाइज वहीं से जाके मैं स्पीड नॉर्मल कर दूंगा और गाइज हम हमारी जर्नी को आगे कंप्लीट करेंगे। तो
तो गाइज अगर आप लोग एमुलेटर के बारे में जानना चाहते हैं तो गाइज ये है माई बॉय एमुलेटर, बटन से आप जान ही चुके होंगे। सो गाइज चलो देखते अभी कहाँ जाना है कि ओ भाई। सो गाइज टोर्टोडाइल यहाँ पे आया है हमारे सामने, तो गाइज चलो टोर्टोडाइल पे क्लिक करते हैं, अगर बचा तो पकड़ लूँगा नहीं तो फिर नहीं। बस एक और लिख करना चाहिए, तो चलो चलो एक और लिख। भाई बच गया भाई, बिल्कुल बच गया गाइज। टोर्टोडाइल भी मेरी टीम में मतलब एकदम अच्छा पार्टनर होने वाला है। और गाइज आगे मैं कुछ पोकेमॉन्स को छोड़ भी दूंगा, कोई बात वैसे ही है नहीं भाई, कोई अच्छे लुकारी जैसे पोकेमॉन्स मिले। क्योंकि गाइज मैंने एक गेम पहले एक बार ट्राई किया था, तो मतलब मैंने मेरे दोस्त के फ़ोन में खेला था, तो उसके पास लुकारी था, तो मेरे को पता है गाइज लुकारी कहाँ मिलेगा। तो गाइज चलो टोर्टोडाइल हमने पकड़ लिया है, तो गाइज टोर्टोडाइल हमारी अब से टीम में है। और गाइज टोर्टोडाइल का 158 नंबर है क्या पोकेडेक्स का, चलो अच्छा है गाइज। यहाँ से ऊपर से रास्ता बंद है बिल्कुल, तो चलो गाइज यहाँ पे एक और ग्रूबिन आया है। ग्रूबिन गाइज मेरे को कतना ही पसंद नहीं, तो एकदम वो फालतू वाला पोकेमॉन है। मैं फालतू नहीं कहूँगा भाई, क्या पता किसी का फेवरेट निकल जाए, ऐसा पोकेमॉन भी कभी किसी का वैसे फेवरेट होता नहीं है। अबे ये क्या है, अरे तेरी ये तो ब्रैंडन बबू है, जे का कांड हो रही है, न जाने कहाँ कहाँ के पोकेमॉन ट्रेनर आ रहे हैं। तो ये टीम एक्वा आई थी ना, हाँ समझ जाना था ना, टीम एक्वा सी, तो ब्रैंडन तो यहाँ पे मिलना ही था। अरे यार चलो पोकेमॉन शायद हील्ड थे, और सबसे आगे है फ्रॉकी, और इसके पहला पोकेमॉन है ट्रिको, तो गाइस शायद मेरे को एडवांटेज बिल्कुल नहीं है। मैं गाइस चार्मेंडर निकाल के ही लड़ूंगा इसके साथ, तो चलो गाइस पूरी टीम को एक्सपीरियंस मिल जाएगा बस, तो ही अच्छा है। इसने मेरे पर लीड किया और लीड डिफेंस कम करता आई थिंक उसके। गाइस ग्रास टाइप है तो एम्बर अटैक उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा, उसके अलावा कोई ताकतवर अटैक नहीं। अबे ये क्या था, जोराज इल्यूजन, अबे ये क्या कर रहे हैं भाई, पता नहीं कैसे कैसे अटैक्स ला रहे हैं। अरे जोरा कैसा, मतलब ये इल्यूजन क्या था मैं समझा नहीं, चलो बाद में समझ लेंगे, इसके ऊपर भी कुछ थ्योरी वगैरह देखेंगे। हाय साहब क्या यार, मतलब ऐसे पोकेमॉन बदले तो मैं तो सीधा आर्शियस में बदलूँ, मतलब और किसी की ज़रूरत ही कहाँ है। अबे ये क्या लगातार अटैक करेगा, हाँ चलो ठीक है भाई साहब, मैं तो डर ही गया था अपने, उसकी हमेशा वाली आदत तो मैं भूल गया गाइस। अक्सर पोकेमॉन ट्रेनर्स बस यही करते हैं कि जब हारते दिखो तो अपने आप बस पोशन ले लो, वैसे मैं भी गाइस यही करता हूँ। तो गाइस चलो आगे देखते हम, उसको बंट अटैक नहीं पड़ा क्या, बस अब पोकेमॉन बदल लेता हूँ गाइस, देखते पहले उसका पोकेमॉन कौन सा आ रहा है। रॉकी को मिला 205 एक्सपीरियंस, चार्मेंडर को मिला, और गाइस बाकी का पूरा मिला है टीम को, जैसे टोर्टोडाइल उसको वाटर गन सीख ली, टोर्टोडाइल लेवल 7 का, टोर्टोडाइल लेवल 8 का, अब 9, हाँ फिर 10 नहीं हुआ। अरे क्या एक कोट्रिको ई का भाई, इसके लिए तो भाई हमारा क्वाला ही ठीक है गाइस। अच्छा वो मैंने दो दो फायर वाटर टाइप रखे हैं, तो गाइस आगे भी हमारी टीम बहुत शानदार होने वाली है। अभी तो गाइस ये टाइम पास पोकेमॉन्स है, इनको जल्द ही हम छोड़ देंगे, किसी को रख लेंगे, वो तो गाइस समय पे डिपेंड है। गाइस जेड मूव मिलने वाला है आई थिंक, पता नहीं मैं किसको सिखाऊंगा यार, मैं किसको सिखाऊं वैसे, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ गाइस इस बारे में यार। मैंने एक बार देखा जेड मूव गाइस है तो वैसे बहुत तगड़ा, गाइस क्वाला या फिर चलो गाइस मैं नहीं, गाइस ग्रीन निंजा, यानी ग्रीन निंजा को तो बिल्कुल नहीं सिखाऊंगा यार। गाइस फ्रॉकी वो तो जल्दी फ्रॉक डियर में भी इवॉल्व हो जाएगा, टोटल 9 लेवल का। चलो भाई पोकेमॉन ट्रेनर ब्रैंडन हमसे हार चुका है, और आप सभी का इसी तरह स्वागत करते हुए आगे की जर्नी में हम लगातार कंटिन्यू करेंगे। तो भाई इस ब्रैंडन को जाने दो, हम गाइस अपनी जर्नी पर लगातार इसी तरह कंटिन्यू। ओ भाई एक और पोकेमॉन ट्रेनर, वो भी गाइस मेरे बिल्कुल पोकेमॉन शील नहीं है। हाँ कुछ पोकेमॉन्स हैं जो कुछ थोड़ा मोड़ा कर सकते हैं, अगर ये ग्रास टाइप निकला, जैसे गाइस क्वाला, वैसे मेरे को लगा था ग्रास टाइप ही है। अबे ये तो शायद फायर टाइप है, इसके ऊपर गाइस मैं लिख करके देखूं, नहीं असर पड़ा, चलो कोई बात नहीं इसे। ओ ये रॉक टाइप है, इसके ऊपर तो वाटर पल्स काम करेगा ऐसा मेरे को लगता। अरे यार या तो ऐसे मार देगा अब,
यूज्ड वाटर प्लस। आश बच गया। सो गाइस रॉकी को मिला 205 एक्सपीरियंस। और गाइस आगे देखते हैं, हमारी बाकी की टीम को मिला है जिसे चार्मेंडर 16 का हो चुका है, यानी गाइस चार्मेंडर इवॉल्व होने वाला है। और गाइस इसको ड्रैगन रेज अटैक सीख चुका है गाइस, वो अभी सीखा नहीं, मैं अभी सिखा दूंगा उसको। और इसके लिए मैं इसका ग्राउल अटैक बिल्कुल हटा दूंगा, बिल्कुल मेरे किसी काम का नहीं, अरे किसी काम का नहीं है वो ग्राउल अटैक। गाइस सामने वाले का अटैक कम करता है, वो भी बहुत कम। टोटल आई गाइस लेवल 10 का हो चुका है, वो भी गाइस हमारी टीम में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। काब्रो ब्लास्ट, एक बार देखिए किस टाइप का पोकेमॉन है काब्रो ब्लास्ट, लगता है हमको वाटर टाइप, शक्ल और सूरत से, लेकिन हर भोला दिखने वाला आदमी भोला नहीं होता और हर कोई चालू दिखने वाला आदमी चालू नहीं होता। सो गाइस चलो टोटोडाइल वो भी थोड़ा बचाओ, नहीं यार उसको मैंने क्यों ले आया, उसका अटैक काम नहीं करता। और गाइस फालतू में ही गाइस उसको एक्सपीरियंस मिल रहा था, वो भी नहीं मिलता। हाँ मेरा तो दिमाग ही कतई ख़राब है। ओ भाई गाइस वीडियो का लाइक गेम हम 10 लाइक्स का रख रहे हैं, तो गाइस प्लीज़ लाइक गेम को पूरा कर दीजिएगा। ड्रैगन रेज आया है और ड्रैगन रेज को अभी हम ट्राई कर लेंगे गाइस, कैसा है ये ड्रैगन रेज, बहुत तगड़ा गाइस, एक अटैक के अंदर ओपोनेंट को मार दे, यानी वो अटैक है बहुत ज़्यादा ताकतवर। और गाइस देखते हैं काश हमारा चार्मेलियन बन जाएगा इसी के अंदर। और क्वाला गाइस लेवल 15 का हो चुका है। इसके साथ गाइस आपके विराट कोहली बहुत तगड़े खेलते हुए, और गाइस MS धोनी की अभी तक बारी भी नहीं आई, MS धोनी हमारे बगल में खड़े खड़े बस टटोल रहे हैं। तो गाइस चार्मेंडर यहाँ पे हमारा इवॉल्व है चुका है, और गाइस आज फ्रॉक की भी फ्रॉक डियर बन जाएगा क्या, बहुत अच्छा। तो गाइस अभी देखते जर्नी क्या आगे, ज़्यादा बड़ा मैप थोड़ी होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा मैप है अभी यहाँ से। तो गाइस मेरे को एक बार पोकेमॉन सेंटर जाके आना पड़ेगा, चलो जल्दी फास्ट फॉरवर्ड में जाते हैं, चलो एक बार फास्ट फॉरवर्ड में जाए। सो लेट्स गाइस गो, क्योंकि गाइस मेरे को नहीं जाता मेरा कोई भी पोकेमॉन है ना उसके लेवल अप से मतलब मिस हो गाइस, उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल भी मिस हो। फैनकिन गाइस ये भी एक टाइप का बहुत तगड़ा, शायद ये कालोस रीजन का स्टार्टर है ना, चलो बहुत अच्छी बात है गाइस, चार पोकेमॉन्स हमारी टीम में हो चुके हैं। और आगे गाइस हम टीम बदलते रहेंगे, कोई टेंशन वाली बात है नहीं गाइस, लेकिन कुछ पोकेमॉन जो हमारे सदा के लिए खास होने वाले हैं। अब मैं गलत मैप में चला गया, मैं तो फायर रेड वाले मैप में चला गया था एक बार के लिए। ओ गाइस लेवल 8 का मैंने तो गलती कर दी कम वाले को पकड़ के। सो गाइस चलो आप साइड चल रहे हैं ना अभी तो हमें। ओ गाइस यहाँ पे एक और पोकेमॉन ट्रेनर जिसके पास है किरिकूट, तो गाइस वाटर पल्स नहीं काम करा, एक और वाटर पल्स काम नहीं किया, एक और वाटर पल्स, चलो वाटर पल्स का गाइस ये है ना वो कंफ्यूज। ओ भाई इसको वैसे एक्सपीरियंस नहीं मिला, चलो गाइस कोई बात नहीं, फिर हमारा हील पोकेमॉन सेंटर जाना तो खराब ही रहा, कोई बात नहीं। अरे भाई साहब मैं तो सब पे एक ही अटैक करता था। गाइस ये यहाँ पे हमारा लेवल 17 का हो चुका है, और गाइस टोटोडाइल भी लेवल 17 का हो चुका है। अरे ये क्या, मैं भी यही सोचूं क्या हुआ, ये एम्बर अटैक किया मैंने दोनों पोकेमॉन से, क्या पता। सो गाइस ड्रैगन रेज पहले हो गया, और गाइस ये बैटल हमने जीत ली है बहुत ही आसानी से। ओ भाई नॉर्मल एंड जेड मूव गाइस, जैसे बहुत तगड़ा मूव था, क्यों ना गाइस मेरे दिमाग में कुछ खराब आती है आइडियाज आ रहे हैं। तो गाइस मैं किसको दूं यार, चार्मेलियन नहीं, लेकिन वो तो मेगा इवॉल्व हो जाएगा यार, मैं कैसे होता क्वाला टोटोडाइल तो मैं जल्दी छोड़ दूंगा टीम से। तो गाइस चलो अभी देखते, ऐसे होल्ड किया है ना तो वो वापस भी ले सकते ना उससे, तो फिर अरे ई का भाई साहब, अब जेड अटैक करते हैं इसके ऊपर। भाई साहब गाइस किसी काम का नहीं है तो जेड अटैक, मैं जान तो गाइस, लेकिन पोकेमॉन सामने लेवल ज्यादा का था ना, तो गाइस इसलिए ही इसको डैमेज नहीं पड़ा, बट अभी तो मेरे पास कोई पोकेमॉन है नहीं वैसे लड़ने के लिए। तो गाइस हमें एक बार पोकेमॉन सेंटर फिर से जाके आना पड़ेगा यहाँ पे, ओ सॉरी मैं तो फास्ट फॉरवर्ड ही रखता हूँ अभी। चलो गाइस चलो 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 बच्चे चलो चलो गाइस, इतना फास्ट तो मैंने कभी वैसे भी भागा नहीं मैं, मेरे को गाइस रनिंग बहुत कम पसंद है, लगता है आज तो हमारा फ्रॉग डियर बन के ही रहेगा। पर गाइस टाइम देख लेते, 3:30 हुए,
चलो अच्छा है गाइस, यानी एक वीडियो प्रीमियर हो रहा होगा इस वक्त, वो 5-4 बजे का लगा है मैंने। चलो 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 भैया चलो भाई साहब, अब की बार ये था ना, इसके ऊपर मेरे को पहले ही चैमिलियन आगे रखना चाहिए, उसको प्रेम्बर अटैक काम कर रहा था मेरे को पता है लास्ट टाइम। सॉरी ड्रैगन रेज करके देखते हैं मैं इसके ऊपर। अभी नहीं, अब मैं इसको नहीं खोऊंगा बिल्कुल भी नहीं। पाउंड मर गया, बहुत अच्छे बाइट अटैक सीख रहा है क्या वो। लीर को हटा देता हूँ, वाटर पल्स उस पर काम नहीं की। चलो गाइस, तो अब मेरे पोकेमॉन भली कुछ थोड़े डैमेज हो गए हूँ। गाइस फ्रॉकी इज इवॉल्विंग, गाइस फ्रॉकी इज इवॉल्विंग। एक एपिसोड में 3-3 पोकेमॉन्स है गाइस, शायद टोटोडाइल भी हो सकता है क्योंकि गाइस तो मोस्ट ऑफ द ट्रेनर्स है ना वो अभी तक यहीं पर ही आए ना। चलो गाइस एक ही एपिसोड में कितने कितने पोकेमॉन्स हम इवॉल्व कर सकते हैं, इससे आप मेरा अनुमान लगा सकते हैं मैं कितना तगड़ा प्लेयर हूँ। हमें एक मिला है एंटीडोट, मेरे को नीचे जाना है ऊपर। एक बार नीचे, अब मैं नीचे से तो शायद आया ही था ना। एक और गाइस पोकेमॉन यहाँ पे, तो गाइस चलो आगे की तरफ चलेंगे, नीचे जाओ देखते हैं ये ट्रेनर मारेगा क्या। पोकेमॉन्स के हाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, पोशंस मार लेते हैं एक आध। अरे पोशन भी ना इसे 20 एक्सपीरियंस दे रहा है भाई साहब, ऐसे तो कुछ होगा ही नहीं। भाई चलो भाई साहब चलो, अबे तू लड़ेगा क्या, क्या पूछ रहा है इसने, क्या लिखा है डू यू नो द पोकेमॉन सीवॉल। अरे भाई यार ये तो मतलब कोई खेल रहे आगे से ये नहीं पता पोकेमॉन इवॉल्व कैसे होते हैं। इस तरह के बचकान गाइस कैसे सोच लेते हैं लोग, हमको बहुत गुस्सा आया ये सब देखकर। तो गाइस ये यहाँ पे सोनिक बूम मेरे ऊपर काम कर गया इसका, चलो मैं इसके ऊपर एम्बर अटैक करके देखता हूँ। मर गया गाइस, बहुत अच्छा। और गाइस हमारा पोकेमॉन इसी के साथ हो चुका है लेवल 18 का। बहुत अच्छे बच्चे हो तुम। इस गेम में चिट्स नहीं लगती ना, बहुत अच्छी बात है, इसे मेरे को सारी मेहनत खुद ही करनी पड़ रही थी, एक हिसाब से अच्छी है। लेकिन गाइस जिस हिसाब से वीडियो लेट हो रहे हैं उस हिसाब से बहुत ज़्यादा बुरी बात। अकॉर्डिंग टू गाइस गेम इट्स सो गुड बट विदाउट, ओ भाई अब तो मेरे पास अवेकिंग भी नहीं है, अब तो मेरे को इसको सीधा पोकेमॉन सेंटर ले जाना पड़ेगा। चलो पोकेमॉन बदलते हैं, और गाइस क्वाला का जेड मूव देखते हैं, क्वाला का जेड मूव। गाइस क्वाला वैसे कम लेवल का है लेकिन गाइस जेड मूव तो जेड मूव है। गाइस एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन क्वाला बहुत ताकतवर बनेगा हमारा। चलो आगे अगली सिटी गाइस पास में, और गाइस नेक्स्ट एपिसोड में हम लड़ने वाले हैं ब्रॉक के साथ। गाइस हाउ इज द जेड मूव गाइस, जेड मूव गाइस बहुत तगड़ा गाइस। 643 एक्सपीरियंस हमें मिला है, चैमिलियन 19 लेवल का हो चुका है, क्वाला को 703 मिला है, और गाइस ये भी लेवल 17 का हो चुका है। और गाइस साथ ही साथ आगे के पोकेमॉन्स देख लेते हैं, बाकी हमारी टीम को मिला है और टीम में टोटोडाइल 14 का हो चुका है। और गाइस अब उसका शेलबेट, अब भाई ई का बला है, अब मैं एक मैच में एक ही बार यूज कर सकता हूँ ना वो तो जेड मूव। चलो मैं समझ गया, समय से समझ गया आयुष। चलो गाइस आज का लेवल, आज का एपिसोड तो 17 मिनट्स का हो भी चुका है। चलो नेक्स्ट सिटी आई थिंक पास में है अब। भाई ये क्या था, बाइट, खुद को ही बाइट कर लिया क्या, नहीं बाइट था वैसे, बाइट नहीं था। तो गाइस चलो काफ़ी एक्सपीरियंस मिला, 205 का मिल गया क्या, वाला लेवल 18 का हो गया। गाइस बहुत तगड़ी पोकेमॉन हमारे लेवल हो रहे हैं। फ्रॉगी डियर टोटोडाइल, ओ माय डियर टोटोडाइल यू आर लर्निंग स्कैरी फेस टू बैड मूव, कुछ तगड़ा सा सीख हाइड्रो पंप वगैरह तो तू मेरी टीम में जगह बना पाएगा, नहीं तो तेरी जगह है पीसी में ही, ठीक है तू समझदार लगता है मेरे को। तो भाई साहब, अरे ई का ब्रैंडन कहीं ई भी लड़ने बैठ गया। तो गाइस एक आध पोशन है होगा हमारे पास, हम दे देगा गाइस फ्रॉग डियर। और गाइस बस काफ़ी है,
लड़ा भी तो गाइस चार्मेलियन तो वैसे भी सोया हुआ है। आई वॉज स्टे हेयर फॉर अ वाइल। ओ भाई लड़ेगा नहीं क्या, मेरा पोशन बर्बाद ही किया। अब मैं कहाँ आ गया, मेरे को तो इधर जाना है ना। अब देखो ऊपर जाना है या नीचे। सो गाइस चलो अब तो एपिसोड फास्ट फॉरवर्ड ही करना पड़ेगा। यहाँ ही गाइस यही रास्ता एकदम सही है। पता है अगर आप लोग नहीं जानते कि मेरे को ये कैसे पता चला, तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूँ, जहाँ पे आपको ट्रेनर्स मिल जाए ना, समझ लेना वो रास्ता एकदम सही है। गाइस मैं स्वॉर्ड एंड शील्ड में भी यही ध्यान लगाता हूँ, जहाँ पे मेरे को ट्रेनर्स मिल गए ना मैं समझ जाता हूँ वही रास्ता बेस्ट है। अब मैं इससे लड़ाई नहीं, मैं भी सोचू यार इस फास्ट फॉरवर्ड जब उसका मुँह उधर घूमा ना इतने में शायद निकल गया, यही हुआ भाई। वाटर है दिया था उसको गाइस, बहुत तगड़ी तगड़ी फाइट चल रही है हमारी फैसलिंग के साथ। और फैसलिंग गाइस चाहिए, और एक और वाटर पल्स, और एक और वाटर पल्स, और एक गाइस यहाँ पे हम कहाँ आ गए हैं। अबे भाई तू भी लड़ेगा क्या, ये क्या भाई, ये क्या भाई साहब में। और गाइस भाई ये क्या चल रहा है, मतलब लड़ेगी, पोशन ले ले भाई साहब फ्रॉग डियर, ये तो टॉर्च इक तेरे को छोड़ देगी वैसे भी नहीं। मैं इसके ऊपर करेगा वाटर गन, नहीं करने दिए भाई। मैं इसको जेड मूव करूं, बहुत तगड़े स्मोक स्क्रीन, फालतू अटैक, बहुत फालतू, हमको ये अच्छा नहीं लगता। अब मैंने इसके ऊपर भी कौन सा फालतू अटैक कर दिया यार, मैं भी मतलब कते ही घन चक्कर हो गया हूँ। कैन नॉट बी स्विच्ड आउट भाई सब, क्विक अटैक ही ले ले। बैग में पोशन है वो तो फ्रॉग डियर को ले लेने दे। गाइस काफ़ी अच्छे पोशन हमारे काम आए, वाटर पल्स गाइस हम ये से जीत चुके हैं यहाँ पे। चलो 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 चलो, अबे ये क्या। तो गाइज आज का एपिसोड इसी के साथ हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप आपका वीडियो आपको अच्छा लगी, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और गाइज बने रहिए ब्लास्ट ट्यूबर।